कहाँ पहुँचे भाई? कैंसिल हो गई भाई ट्रिप, दोबारा बुक कर लो। तो दोबारा तू ही ले जा यार। नहीं भाई साहब, आप नहीं ले जाऊंगा मैं, आप लोकेशन से जो है इतना परेशान कर दिया बेकार, अब मैं निकल गया यहाँ से। चल भोसड़ी के बकवास कर रहा है महाद्र छो। देवली रोड पर जैसे अंदर जाते हैं तो एक बाल निकेतन पब्लिक स्कूल आता है, और वहां से पिकअप होना था। एक कस्टमर ने पोर्टर पर एक ट्रिप डाली थी देवली रोड से, देवली रोड से ग्रेटर नोएडा की ट्रिप डाली गई थी, और वो ट्रिप मैंने एक्सेप्ट कर ली थी लगभग 9:30 बजे रात की बात है। मैंने जैसी ट्रिप एक्सेप्ट करके मैं पिकअप लोकेशन पर गया तो जो कस्टमर था उसने बोला कि बाल निकेतन पब्लिक स्कूल के पीछे वाले गेट पे आना है, जबकि लोकेशन यहाँ की थी। मैंने यहाँ पर मैंने गेट नंबर 2 दूसरा जो था उसको पूछ के मैं उस तरफ गया तो पीछे से रास्ता था, कीचड़ और दलदल बहुत वाला बेकार वाला रास्ता था, मैं चला गया था। वहां पहुंचने के बाद उसने बोला कि एक काम करो थोड़ा और आगे आ जाओ, किसी मेडिकल स्टोर की दुकान बताई थी वहां पर आ जाओ, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ। मैं वहां पर भी गया, वो वहां पर भी नहीं थे, कोई और मेडिकल स्टोर का नाम भी था उसी नाम से। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो गई थी और जाम भीड़ भाड़ की वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया था। मैंने जैसे ट्रिप कैंसिल की मेरे पास कस्टमर का फोन आया और उसने बोला कि तुम एक काम करो इसको ऐसे ले जाओ इसको ग्रेटर नोएडा का। मैंने कहा ये ट्रिप कैंसिल हो गई और आपने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया, तो इसने मुझे माँ बहन की गालियां तक दे डाली, जैसे कि आपने इस वीडियो में स्टार्टिंग में सुना है कि इसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी हैं। इसकी इन गंदी गालियों को सुनने के बाद मैं वहां से सीधा अपने घर आ गया था, और काफी देर तक मैं अपने घर में बंद कमरे में परेशान रहा, सोचता रहा कि आखिर यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। पोर्टर कंपनी यार हमारे को तो बहुत ज्ञान देती है कि भाई ट्रिप कैंसिल मत करो, ट्रिप आते के साथ ही कस्टमर के पास चले जाओ, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारे ज्ञान हमारे को देती है कंपनी, पर कभी भी इन कस्टमर्स को कोई भी ज्ञान नहीं देती है। कस्टमर्स हमारे साथ तू तड़ाक बातें करता है, बदतमीजी से बात करता है, टावरों में बुलाता है, ओवरलोडिंग सामान दे देता है, ओवरवेट सामान दे देता है, कितनी हमारे साथ बदतमीजियां होती है, ये सब चीजें आप देखते हो और आप सब भी राइडर हो, मुझे पता आप सबको ही पता होगा। मैंने अपने मोबाइल में ये जो इस बंदे का नंबर है वो सेव किया हुआ है कुत्ता नंबर 7 के नाम से, मेरे मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है इसमें 7 कुत्ते हैं ऐसे, कुत्ता नंबर 1, कुत्ता नंबर 2, कुत्ता नंबर, ये कुत्ता नंबर 7 है, कुत्ता नंबर 7, 7 कुत्ते के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं इनको इनकी इस हरकत का जवाब जरूर दूंगा, और मैंने इसी का मोबाइल नंबर सेव करके ये रिकॉर्डिंग उसको भी भेजी है सुनने के लिए, उसने मेरे को व्हाट्सएप पर से ब्लॉक कर दिया। सबसे पहले यह है कि भाई देखो अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसका मोबाइल नंबर सेव करो, और उसका मोबाइल नंबर भी कुत्ता नंबर 1, कुत्ता नंबर 2 ऐसे करके लिस्ट बनाओ, ताकि दोबारा कभी इन फ्यूचर आपके पास उसकी ट्रिप आए तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जब आपके पास आप उसका नंबर मिलाओगे और कुत्ता नंबर ये के नाम से आपके पास उसकी कॉल आप जाएगी उस पर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको उसके साथ करना क्या है। मैं ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट सबसे बनवाना चाह रहा हूं जो बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक बात करते हैं। बाइक राइडर्स की जो इमेज है ना वो तू तड़ाक वाली बनी हुई है, बहुत सारे कस्टमर्स तू तड़ाक बात करते हैं। हम लोग ये सोच लेते हैं कि चल यार ठीक है, हम लोगों को अभी ये समय निकाल ले, हम तो हम बस उस समय को निकालने के चक्कर में इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ना जाने क्यों लोगों के अंदर से मानवता इंसानियत जो है मरती चली जा रही है, एक राइडर की वैल्यू बिल्कुल ही खराब हो रखी है। मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं कंपनी से कि कंपनी को कस्टमर को भी जो ज्ञान हम लोगों को देते हो ना, हम राइडर्स को ज्ञान देते हो, वही ज्ञान इन कस्टमर्स को भी दो, ताकि वो हमारे साथ बदतमीजी से बात ना करें। मुझे पता है पोर्टर कंपनी में भी जो भी नियम बना रहा है वो भी कोई ना कोई इंसान ही है, और जब ये नियम बनने की शुरुआत हुई थी तो कंपनी ने क्या किया था, 20 किलो बनाया था और 40x40x40 का जो साइज बनाया था पोर्टर में बाइक राइडर के लिए, तो उस वक्त क्या था 80 मीटर ग्राउंड सर्विस थी, ग्राउंड पर 80 मीटर तक जो है राइडर पार्सल ले सकता था। उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड ऊपर मंगवाने की हुई, कंपनी जो है लगातार कस्टमर्स की बात सुनती है, राइडर्स की नहीं सुनती। आप सोचिए अगर 40 किलो का पार्सल भी है और अगर कोई 13वें फ्लोर पर बुला रहा है तो एक बाइक राइडर अपनी बाइक को छोड़ के 13वें फ्लोर पर 20 किलो का पार्सल कैसे लेके जाएगा? या तो वेट कम होना चाहिए, 10 किलो होना चाहिए, तब तो समझ में आता है एक बार को। 13वीं और 15वीं और 22वीं मंजिल पर हम लोग 20-20 किलो पार्सल लेके जाते हैं। जो भी कंपनी में पोर्टर में नियम बनाता है पार्सल को करने का,
उसको खुद को भी कभी एक बार एक ट्रिप करके देखनी चाहिए कि कितनी समस्याओं का सामना एक बाइक राइडर करता है। तो भाई बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि कंपनी तक हमारी बात जाए, उनको पता चले कि हमारे साथ क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि राइडर्स हम है, पार्सल डिलीवरी हम करते हैं, कंपनी नहीं करती है, कंपनी सिर्फ नियम बनाती है और वो भी कस्टमर के बिहाफ पर। मेरे को एक राइडर कह रहे थे कि कंपनियां राइडर को बांध कर काम लेती है, तो ये बात सच है कि भाई जो कंपनी है वो राइडर को एक तरीके से बांध कर काम लेती है, और हम लोग जो है बंद कर काम करने वाले राइडर नहीं है, इसीलिए जो है ना बहुत ज्यादा सोच समझ कर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और कंपनी के पास ये वीडियो जरूर पूछनी चाहिए कि हमारे साथ किस किस तरीके की समस्याएं आती है, ताकि वो नियमों में बदलाव ला सके। धन्यवाद।